हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में कुछ बताएंगे। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं प्याजे का सिद्धांत कौन कौन सा है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमें आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करें स्टार एजुकेशन और जल्द ही ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं प्याजे का सिद्धांत क्या है। तो चलिए देखते हैं। जॉन प्याजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, यानी आपको याद रखना है कि जो जॉन प्याजे हैं उनके द्वारा ये प्रतिपादित है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। प्याजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है प्याजे का सिद्धांत यानी विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है। एक नाम ये भी है इसका कि विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति की बारे में बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक कर जोड़ता है, और आगे देखेंगे हम कैसे इसका उपयोग करता है। व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात पहचानता है। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ दोस्तों होता है पहचानना। प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है तथा संबंधित वस्तु व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। आगे देखेंगे। उक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके भीतर एक ज्ञान भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों यानी स्टिमुलेंट से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता है। आगे देखेंगे हम। पहले वह उन उद्दीपकों को पहचानता है या ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। आगे देखेंगे हम। जॉन प्याजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। प्याजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे देखेंगे। संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि उनके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत कहा जाता है, यानी स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। आप याद कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है वो कौन कौन सी है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, जॉन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को चार अवस्थाओं में विभाजित किया है। इसमें पहली अवस्था है संवेदिक पेशीय अवस्था, यानी जन्म के 2 वर्ष का समय होता है संवेदिक पेशीय अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है आपका 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला देखेंगे, 4 नंबर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक होती है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले पढ़ते हैं संवेदीय पेशी अवस्था, जो कि जन्म के 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। आगे देखेंगे, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शारीरिक यानी उसके भीतर सहज क्रियाएं होती हैं,
इन सहज क्रियाओं और ज्ञान इंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श एवं रसों, गंधों का अनुभव प्राप्त करता है और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में, यानी वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। उन्होंने इस अवस्था को छह उप अवस्था में बांटा है, जो पहली अवस्था है। तो चलिए देखते हैं वो छह अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। इसमें पहला है सहज क्रियाओं की अवस्था, जो कि जन्म से 30 दिन तक होती है। दूसरा है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, जो कि 1 माह से 4 माह तक। गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, जो कि 4 माह से आगे है, 8 माह। अगला देखेंगे, 4 नंबर है गौड़ स्कमेटर की समन्वय की अवस्था, यानी 8 माह से 12 माह तक। तृतीय अवस्था यानी तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, जो कि है आपके 12 से 18 माह। छठा है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, जो कि 18 से आपका 24 माह है। दोस्तों आप इसको नोट जरूर कर दे चलिएगा। आगे हम देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी ना होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है, यानी अब वह खेल अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किसी वस्तु की भी, यानी किसी वस्तु का भी कार्य का क्या संबंध होता है, तथा तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। इस अवस्था में अनुकरणशीलता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है, यानी जो बालक होता है उसके अनुकरणता में परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण 2 प्रकार के होते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है आपका, पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष तक। अंतः प्रज्ञक काल यानी अंतर्दर्शी अवधि, जो 4 से 7 वर्ष तक होती है। एक प्राक संक्रियात्मक बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करता है। आगे देखेंगे हम, बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, आत्म केंद्रित हो जाता है बालक, संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है। आगे देखेंगे, दूसरा है अंतः प्रज्ञा काल, यानी बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ घटाओ आदि सीख लेता है, संख्या प्रयोग करने लगता है। इसमें क्रमबद्ध तरीके यानी क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। आगे देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में देखेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है। एक वस्तु एवं घटनाओं के बीच समानता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण और क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। वह तर्क कर सकता है, संक्षेप में अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियम सुख को सीख लेता है। आगे देखेंगे हम, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 12 वर्ष के बाद की। इस अवस्था की विशेषताएं निम्न है, यानी जो ये अवस्था होती है 12 वर्ष के बाद की होती है। इसमें पहला पॉइंट है विशेषताएं जो है, तार्किक क्षमता का विकास, समस्या समाधान की क्षमता का विकास, वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास। अगला है वास्तविक अनुभव को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास। आगे देखेंगे हम, परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास, विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास। आगे देखेंगे हम, ज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया। तो चलिए इसको देखते हैं।
पहले हम संरचना देखेंगे इसमें। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः दो बातों को महत्वपूर्ण माना है, पहला संगठन, दूसरा अनुकूलन। यानी संगठन से तात्पर्य है बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन एवं तर्क सभी संगठित होकर, जैसे उदाहरण है यानी संगठित होकर करती हैं। तो उदाहरण देखेंगे, एक बालक वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के संबंध में उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक पृथक कार्य नहीं करती हैं, बल्कि एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं। वातावरण के साथ समायोजन करना संगठन का ही परिणाम है। आगे देखेंगे हम, संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। यानी जो संबंध होता है एक आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, दूसरा अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये था कुछ जानकारी जान पियाजे के बारे में। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, सर्च करें स्टार एजुकेशन। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस।